हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह, आपके पसंदीदा शो विद शेफ 21। कहते हैं उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हर काम का आगाज अगर मजबूत यकीन के साथ हुई तो उसकी नस्ल बहुत आला होते हैं। कहते हैं मजबूत यकीन में अच्छा कुवत पोशीदा रहती है, जो किसी भी सिम को चेंज करके हैरान कुन नतज पैदा कर सकती है। आप देख रहे हैं शेफ 21, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल शाह, और दोस्तों आज भी कुछ बहुत ही आला रेसिपीज आप तमाम दोस्तों के लिए शेयर कर रहे हैं, और जो लोग मौजूद है हमारे सामने, थैंक यू सो मच यू ऑल आपकी मोहब्बतों के लिए, आपके प्यार के लिए। और बाकी बहुत से लोग सवाल का इंतजार करें, कुछ ही देर में आपको बताते हैं जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर बात की जाए मीट की, चाहे आप टिक्का बना रहे हैं, बोटी हो, कबाब हो, चाहे बात की जाए सीख कबाब की, तमाम रेसिपीज का अपना अपना मजा। बट आज जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही आला, और आज यकीनन बहुत से लोगों की सालगिरह है और बर्थडे, और यकीनन बहुत से लोगों के लिए आज का दिन बहुत अहम, जिस तरह कल का दिन बहुत से लोगों के लिए अहम था 1 जनवरी, आज का दिन भी यकीनन बहुत से लोगों के लिए डेफिनेटली अहम होगा। हो सकता है किसी की शादी की सालगिरह हो, एनिवर्सरी हो, किसी, कुछ लोग आज के दिन पैदा हुए होंगे। बिल्कुल हमारी एक K21 की न्यूज एंकर मिसबा जी की भी सालगिरह, उनको भी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम लोग जिनकी बर्थडे। चलते हैं रेसिपी की जानिब, रेसिपी शेयर करें बहुत ही आला गार्लिक चिकन विंग्स। आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा रेसिपी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी गार्लिक चिकन विंग्स की, ठीक है। और गार्लिक चिकन विंग्स के बाद अगली रेसिपी भी आलू की बहुत ही आला है, उसकी तरफ भी चलते हैं। और सवाल का बहुत शुक्र इंतजार करें, सवाल इतना सा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी वेजिटेबल कौन सी है, इसका आप जरूर जवाब दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यकीन आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। गार्लिक चिकन विंग्स के लिए गार्लिक लहसुन से दुनिया में हजारों रेसिपीज बनती है, आपने देखा होगा फाइव स्टार होटल में गार्लिक मशरूम, गार्लिक गुलाटोस, काफी वैरायटी। तो लहसुन के हम चिकन विंग्स अच्छे खासे हैं 1 kg, ठीक है। और अगर एक बंदा बुफे में अगर एक विंग्स भी खा ले तो मजा जरूर आएगा, क्योंकि जूसी मजे के बनते हैं, ठीक है। चिकन विंग्स 1 kg, दीगर अज्जा में टमाटो केचप, नमक हसबे जायका, यकीनन वो अज्जा जहां से जायके की इब्तिदा हुई, पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च, चीनी। आपको बताऊं दुनिया के जो बेस्ट पेस्ट्री शेफ्स होते हैं वो चीनी के साथ नमक ऐड करते हैं, कि नमकीन रेसिपी में जरा सी जो चीनी आएगी तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन पिसा हुआ, किसी भी ग्रीन चिली, क्योंकि ये भी ऐड करनी है, कुछ वेजिटेबल भी डेफिनेटली पार्ट ऐड करनी, साथ ही कोयले का दम देना, लेकिन बहुत आला डिश होगी तैयार। चलते हैं प्रोसेस की जानिब। गार्लिक चिकन विंग्स के लिए पैन रखा, बल्कि चले सीम बनाते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से ड्राई करते हैं, ऑयल ऐड करते हैं, प्रोसेस जारी आपकी कॉल करते हैं। कुछ देर में दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, सिर्फ इतना सा सवाल है जिसका आप जवाब दे रहे हैं। कॉल करके अच्छी तरह से हमने ड्राई किया, ऐड करते हैं ऑयल, मिनी आग कुकिंग ऑयल, और लगभग 3 to 4 tablespoon ऑफ ऑयल, ठीक है, अच्छी तरह से गर्म करना। उसके बाद बाकी दीगर अज्जा भी ऐड करते हैं, ये देखिए अब, ठीक है, ऑयल के साथ ही देखिए अब जरा से करते हैं गर्म। और डिफरेंट है जो आज गार्लिक चिकन विंग्स बना रहे, इसमें ना अमूमन जो डिफरेंट बनते हैं इसमें कॉर्न फ्लोर, मैदा या क्रिस्पी बनते हैं, आज डिफरेंट है, मुझे अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। ठीक है, ऑयल के साथ ही ऐड करते हैं अदरक लहसुन पिसा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो लगभग 2 से 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन को हल्का से करते हैं ब्राउन, ये देख सकते हैं आप। ऑयल के बाद शामिल किया अदरक लहसुन पिसा हुआ, हल्का सा ब्राउन करना, खुशबू यकीनन बहुत ही आला। आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी देखें ड्राई हो रहा है और खुशबू अपनी जगह, बहुत ही मजे की, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। और फिर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सामने आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कैरेट ज्यादा खाया जाता है दुनिया में, कुछ लोग कहते हैं प्याज, कुछ लोगों का कहना है कि कैबेज ज्यादा खाई जाती है। व्हाट यू थिंक, दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी, अदरक लहसुन थोड़ा ब्राउन, और जैसे ही कलर आता उसके बाद उसमें हमने चिकन भी ऐड करना है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ऑयल में अदरक लहसुन हल्का सा ब्राउन होता जा रहा है, मजीद से करना है ब्राउन, अब तक कलर नहीं आया लेकिन खुशबू आ रही है, हल्का सा पिंकिश कलर आ चुका है।
चिकन जैसे हल्का सा विंगिश कलर है, उसके बाद ऐड करते हैं चिकन विंग्स। और विंग्स भी दो तरह के होते हैं दोस्तों। विंग्स की खास बात आपको बताऊं, खुद जो शेफ जो हम अपनी पार्टी करते हैं या कहीं अगर जाए पिकनिक पे, हम अपने मेन्यू में विंग्स जरूर रखते हैं। इसकी खास बात ये है कि जूसी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया भर में जो लोग खाना खाते हैं वो जूसी मीट भी बनाते हैं, माइल्ड एंड जूसी सॉफ्ट, उसका मजा आता है। विंग्स का गोश्त सॉफ्ट होता है, माइल्ड नहीं, आपको मजा आएगा। अदरक लहसुन जैसे ब्राउन ऐड करते हैं विंग्स, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। चिकन विंग्स शामिल किए डायरेक्टली जिंजर गार्लिक में, हल्का से करते हैं ब्राउन, ये देखिए आप। सवाल इतना सा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, ठीक है। प्रोसेस जारी, हल्का से करना हिलाना है, ठीक है। कुछ और विंग्स भी ऐड करते हैं, देखिए अच्छे खासे कोई 1 kg, जो ब्रोस्ट रियल बनता है उसमें मीट छिलके के साथ होता है, विद स्किन होता है। विद स्किन जो मीट होता है ज्यादा जूसी होता है, ठीक है, वो ज्यादा जूसी बनता है, लेकिन ये विदाउट स्किन है। प्रोसेस जारी कर रहे हैं, मिक्स खुशबू बहुत ही आला। सवाल पूछ रहे दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाली सब्जी कौन सी, और साथ ही कॉलर भी मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अच्छा डिस्काउंट हो चुकी है, देखिए हल्का से करना है फ्रंट एहतियात से, बाज दुकान फ्लिप करने से ऑयल आपके ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। कलर देखिए दोस्तों, definitely seems amazing. ये देखिए आप, देखिए विंग्स खुशबू बहुत ही आला, कलर आ चुका है। कुछ और चीजें ऐड करते हैं, साथ ही मिसेज सरवत मौजूद, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नया साल बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक मिसेज सरवत जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नया साल, और इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पर दिली मुबारकबाद को कबूल फरमाइए। कबूल कबूल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि ये जो आप प्रोग्राम वैसे बड़ा अच्छा है, मगर इसमें कम से कम शुरू के 3 सही नाम तो बता दिया करें, जिससे जो भेजे प्रोग्राम उसके नाम तो बता दें। शो का नाम जो नहीं, जैसे मैं बोल रही हूँ मिसेज सरवत, नाम तो बता दें जिन्होंने सही नाम बताया है। जी मिसेज सरवत ना जी, ये नाम उसने टीवी में तो बता दिया करें, उसमें नहीं आता ना हमारा नाम। अच्छा नाम, सवाल का नाम जवाब है आलू। आलू, ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस सरवत जी, तो देते मेरा कपड़ा ही होगा जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस सरवत जी मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका नाम मैंने 4 मरतबा लिया, थैंक यू। सवाल का जवाब इन्होंने दिया, जो सवाल पूछा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने सब्जी कौन सी, जवाब दी मिसेस सरवत, बहुत अच्छे लोग। अदरक लहसुन चिकन थोड़ा ब्राउन, उसके बाद बाकी अज्जा ऐड करते हैं, ठीक है। अदरक लहसुन के बाद ऐड करें बाकी अज्जा, बाकी इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं आप, और फुल कोक नहीं किया, सिर्फ 20-30 पीसेस कोक हुई चिकन। उसके बाद ऐड करते हैं हम, आगाज में देखिए पिसी हुई ग्रीन चिली, ठीक है दोस्तों, आप कोई भी मिर्ची ऐड कर लेंगे इसके जो फ्लेवर बहुत मजे का बनता है। 1 खाने का चमचा पिसी हुई ग्रीन चिली, ठीक है, शामिल करने के बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स, बाकी अज्जा शामिल करते हैं, नमक हसबे जायका या ये 1 खाने का चम्मच, चीनी भी शामिल करते हैं, चूल्हा हम करते हैं कम, चीनी 1 and 2 टीस्पून, ठीक है 2 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, बल्कि 1.5 टीस्पून, सफेद मिर्च भी शामिल, ठीक है। शामिल करने के बाद से कर रहे हैं मिक्स, प्रोसेस जारी है, और साथ ही वक्त हुआ ब्रेक का, तो चलते हैं ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज ना सिर्फ गार्लिक चिकन विंग्स बल्कि अगली रेसिपी भी हमारी बहुत मजे की, आलू की भी करनी है तैयार, वक्त छोटे से ब्रेक, अच्छी बात कर लेते हैं ब्रेक,
कि दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना लेफ्ट है कमरे, मिलते हैं आपसे फिर के बाद। आप देख रहे हैं शेफ 21, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल शाह बना रहे हैं बहुत ही खास गार्लिक चिकन विंग्स। गार्लिक चिकन विंग्स के लिए आगाज में हमने ऑयल में ऐसा लहसुन शामिल किया, ठीक है, और साथ ही चिकन ऐड किया, ठीक है, और हम सॉरी अदरक लहसुन लहसुन पिसा हुआ लहसुन, उसके बाद चिकन विंग्स, विंग्स के बाद कुछ बाकी अज्जा जिसमें नमक, लाल मिर्च पिसी हुई, व्हाइट पेपर, चीनी, साथ ही पिसी हुई ग्रीन चिली शामिल करने के बाद भुनाई का सिलसिला जारी, प्रोसेस जारी है। कुछ ही देर में इसमें हम बाकी अज्जा बीट करते हैं और इसे कोयले का देना है। सवाल पूछा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, और इसका जवाब देंगे कॉल करके। ड्रिंक्स का प्रोसेस जारी है और अनिला मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम, कैसी हैं आप? जी बहुत बिल्कुल ठीक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और हम सबकी तरफ से आपको और तमाम देखने सुनने वालों को बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। खैर मुबारक अनिला जी, आपको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। जी और माशाल्लाह मेरी बेटी जी भी इसी महीने सालगिरह आती है, तो आप विश कर दीजिए उन्हें। किनकी सालगिरह है? मेरी बेटी की। आपकी बेटी, क्या नाम है उनका? कल उन्होंने फर्स्ट कॉल की थी न्यू ईयर की, सारा शेख। सारा शेख जी, आपकी बेटी सारा शेख को बहुत बहुत ज्यादा मेरी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, बल्कि तमाम देखने वालों की जानिब से भी बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो एंड ऑल जी। और मेरी फरमाइश है कि आप प्लीज मलाई बूटी बनाना भी सिखाएं, चिकन मलाई बूटी भी। अनिला जी जरूर, डेफिनेटली मलाई बूटी का अपना मजा और जरूर बनेंगे इंशाल्लाह। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों अनिला जी मौजूद है, साथ ही चिकन देख सकते हैं जा रहे अपनी मंजिल की जानिब। कुछ ही देर में कुछ लोग कह रहे हैं इनकी मंजिल विंग्स कहीं और है, लेट्स सी। देखिए जूसी और देख सकते हैं आप बहुत ही मजे का, और हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही है क्योंकि मैंने अंग्रेजी काम बहुत किया बाहर कॉन्टिनेंटल और ये दुनिया भर में। आप देखें स्टेक भी ना सिर्फ बीफ में, ना सिर्फ वेल्डम बल्कि मीडियम भी खाया जाता है, मीडियम रेयर भी खाया जाता है, ठीक है। तो मीट जूसी खाना बहुत मजे का लगता है, ठीक है। तो चिकन देख सकते हैं आप, काफी मसालेदार है लेकिन जूसी भी। जरा चेक करते हैं पानी, ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। मसालों के बाद जब फील हो आपको कि सरफेस भी लग रहा हो तो आप पानी ऐड करते चले, ठीक है, 1 कप पानी शामिल किया और बाकी अज्जा ऐड करते हैं, ठीक है, और आपको दिखाते हैं ड्रिंक्स, ठीक है, और देख सकेंगे आपके कुछ ही देर में ये ड्रिंक्स आप, ये आपको बताते हैं। पीस देखिए विंग्स के अंदर ये नहीं जा रहा, ठीक है, कैसे पता चले कि आपका ये विंग्स गल चुके हैं अंदर तक? इसका बेस्ट वे ये का कोई टूथपिक को या आप नाइफ से जैसे इन करते हैं इसके अंदर, इजिली जब बाहर आ जाए इसका मतलब गोश्त गल चुका है, ठीक है, लेकिन लेकिन अभी भी कुछ जरा सी इसमें देर बाकी है, ठीक है, जरा सी देर बाकी है, तो अंदर तक गोश्त गलेगा काफी मजे का, ठीक है। मसाले शामिल कर चुके थे, प्रोसेस जारी है। सवाल पूछा दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, ठीक है, विच वेजिटेबल ईटन मोस्ट इन द वर्ल्ड, इतना सा सवाल है हमारा। ऐड करते हैं टोमेटो केचप भी, लगभग 1.5 कप, ठीक है, और बहुत जरूरी है कि जो विंग्स आप शामिल कर रहे हैं
जो केचप हम शामिल करें, बहुत जरूरी है कि इसमें केचप भी हो। ऐसे केचप भी मौजूद है कुछ ब्रांड के जिसमें टमाटर नहीं होता, सिर्फ कमर कलर्स होते हैं या केमिकल होते हैं, ठीक है। साथ ही मंजूर इलाही साहब मौजूद हैं और उनसे बात करना डेफिनेटली जरूरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, मंजूर इलाही कॉर्नेजबला हरिपुर से, शेफ के 21 में, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, ग्रेट मंजूर इलाही साहब, प्रत्येक खुशामदीद कहते हैं आपको, ऑफ कोर्स ऑन शेफ 21। वो मैं कहता हूँ बड़ी मजे की बात, और इतनी प्यारी खुशबू और इतना प्यारा टेस्ट चिकन विंग्स का, मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं बता नहीं सकता, मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास। आज बताइए मंजूर साहब, आज आप बताइए। और इकबाल भाई जी जी बताए मुझे, मेरी पीसीआर एमसीआर मेरे कैमरामैन सब भाई कैसे हैं? जी बिल्कुल, सब थम्स अप कर रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं, मजे में। और कहा इन्होंने मंजूर साहब को सलाम दीजिएगा। इस वक्त आप कहाँ हैं, हजारा में या इस्लामाबाद में? मैं इस वक्त जी इस्लामाबाद में हूँ, और यकीन मानिए कि इतनी ठंडी ठंडी और यक वक्ता हवाएं चल रही हैं और ठंड ज्यादा है, और इसमें जबरदस्त किस्म का जो है ना गाजर का हलवा ओहो और गर्मा गर्म गुलाब जामुन हो तो मजा आ जाए। क्या बात है, क्या बात है, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, और साथ ही अगर विंग्स अगर आप बाइट लें, वीट अगर कोई भी हो, जूसी हो तो कैसा रहेगा? मैं कहता हूँ ये सोने पे सुहागा। अच्छा इकबाल भाई, ये एक बात जो मैं जरूरी कहना चाह रहा था, कहिए फरमाइए, कि मैं मेरे लिए अब थोड़ा सा मसला एक बनता जा रहा है। क्या? एक तो वो मेरी पहली वाली वाइफ जो है वो फरमाइशों की लिस्ट बना लेती है, और दूसरी जो है वो यहाँ की यहाँ वाली जो दूसरी बीवी है वो प्रोग्राम भी देख रही होती है, और वो फिर कहती है जी इकबाल भाई ने ये बनाई है, ये भी आके बनाओ। अच्छा 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 सही। अच्छा मंजू साहब, आपकी वाइफ को भी सलाम एंड थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मंजूर इलाही साहब मौजूद थे इस्लामाबाद से, एंड यकीनन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दोस्तों। ये मंजूर साहब की कॉल के साथ ही रिंग्स ऐसे ऐसे गलते जा रहे हैं, प्रोसेस जा रही है, काफी टेम्पटिंग, कुछ वेजिटेबल भी ऐड करनी है, बहुत ज्यादा सब्जियां बिल्कुल हम शामिल नहीं कर रहे। चिकन था, चिकन में हमने चीनी पहले आगाज में, ऑयल लहसुन ब्राउन सिर्फ लहसुन, लहसुन के बाद चिकन विंग्स शामिल किए डायरेक्टली ऑयल के अंदर, बाकी दीगर अज्जा में नमक पिसी हुई लाल मिर्च काली मिर्च सफेद मिर्च शामिल करने के बाद प्रोसेस जा रही है, चीनी भी शामिल की थी और साथ टमाटर केचप मिक्सर बेल, काफी मजे के विंग्स हो रहे हैं तैयार, जरा हिलाना है और कुछ देर के बाद से कोयले का दम भी देना है, ठीक है। ये देखिए कुछ देर में कोयले का दम भी देना है, और अपनी जगह दम की अहमियत भी एकदम काफी ज्यादा, ये देख सकते हैं हम दोस्तों काफी मजे के, और कलर चेंज हो चुका है, केचप और स्पाइसेस का जायका रख चुका है, डेफिनेटली बहुत ही आला विंग्स हो रहे हैं तैयार, कोयले का दम भी देना, साथ ही कुछ और चीजें करते हैं, ठीक है। अमूमन हम नॉर्मली हम विंग्स में इस तरह के खाने में हरा धनिया शामिल नहीं करते, लेकिन हम देखेंगे ग्रीन कोरिएंडर से बहुत अच्छा फ्लेवर है इसके अंदर डेवलप होगा, ठीक है। ग्रीन कोरिएंडर का हरा धनिया, ठीक है, कोई भी कटिंग करें दुनिया की नाइफ तेज हो शार्प हो अच्छी कटिंग कर सकेंगे आप, ठीक है। यहाँ से आपने फोल्ड किया और इसे करते हैं बिल्कुल फाइन चॉप, ठीक है। आप कोरिएंडर करना है नाइफ बिल्कुल फाइन चॉप करना है, ठीक है। प्रोसेस बिल्कुल जारी है और साथ आप भी शो कर बनते जा रहे हैं। सवाल पूछा है दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, और कुछ दोस्तों ने जवाब दिए और आप भी जवाब दे सकते हैं। ग्रीन कोरिएंडर ऐड करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर कोई तीन खाने के चमचे जो हमने चॉप किया था, ठीक है। हरा धनिया भी शामिल किया और प्रोसेस बिल्कुल जारी, आप भी हमारे शो का हिस्सा बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच यू ऑल, ठीक है। विंग शामिल करने के बाद जरा हिलाते हैं, ठीक है, हिलाते हैं, और साथ ही ये जो कोरिएंडर है धनिया इसी में ऐड करते हैं, और ये खुशकिस्मती हमारी देखें पाकिस्तान में धनिया यकीनन सस्ता मिलता है, ठीक है, और इसका अपना फ्लेवर काफी कंट्रीज में बहुत महंगा है धनिया भी, ठीक है। इस तरह हिला देना, ठीक है। अब क्या होगा कि सॉस के अंदर, ठीक है, अब डिफरेंट है कि सॉस के अंदर चिकन गलेगा और अपनी जगह इसका फ्लेवर डेफिनेटली आना, प्रोसेस जारी है, देख सकते हैं। कुछ ही देर में कोयले का दम भी देना, लेकिन कुछ देर के बाद जरा से करते हैं कवर,
अच्छी तरह गले और कब वही फ्लेवर आ सके जो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। बल्कि इसके साथ ही विंग्स भी ले आते हैं यहाँ, ठीक है। अब चलते हैं आलू की जानिब और पोटैटोज। पोटैटोज आलू की बहुत ही आला रेसिपी शेयर करें आपसे। चलते रेसिपी की जानिब, सफाई जरूरी, डेफिनेटली ठीक है, अच्छे से आपने क्लीन किया। उसके बाद ये इस तरह से आपने सफाई, और उसके बाद चलते हैं अगली रेसिपी की जानिब। और आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। आलू बॉइल्ड पोटैटोस, ठीक है, आलू बॉइल्ड है और इसे हम काटते हैं और साथ ही आलू की तैयारी करते हैं। जायदा भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर साहब? आप बताएं मैडम, कहाँ हैं इतने दूर से आप? बस मैं यही हूँ, शो तो आपको जरूर देखती हूँ। मोहब्बत है आपकी, प्यार है? हाँ बिल्कुल, कॉल नहीं मिलती कभी कभी, ऐसा होता है कि बस नमाजों से फारिग हो तो कुछ ना कुछ मसला होता है, कोई आ गया तो मिस हो जाता है, वो मैं देखती तो जरूर है आपको। थैंक यू सो मच जायदा जी, आप बताएं खरीदे क्या कहेंगी आप? बस ये कहूँगी मेरी रेसिपी तो काफी निकल गई, आपने बड़े जबरदस्त डिश बनाई है, अभी इसको रिपीट कर दीजिएगा जरा। जरूर इंशाल्लाह। नहीं मैं जब रिसीवर रख दूँ ना फिर उसके बाद आके जी। अच्छा जायदा जी, हमने पूछा दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी, आपको क्या लगता है? हाँ सवाल का जवाब तो ये है कि आलू है, सबसे ज्यादा वही खाया जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, चले थैंक यू। जायदा जी मौजूद थी और विंग्स दम आता जा रहा है, कुछ दिनों में एंजॉय करना है, कोयले का दम भी देना है। आलू की बहुत ही आला डिफरेंट रेसिपी शेयर करते हैं हर पोटैटो पर, वक्त तो छोटे से ब्रेक का, यहीं से कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। नेक्स्ट कर रहे जनाब, वेलकम बैक टू अवर शो, खुश आमदीद कहते हैं। इख्तितामी लम्हात में हम दाखिल हो चुके हैं, विंग्स हमारे हो रहे हैं तैयार, रखते हैं इसके दम की जानिब। खुशबू बहुत ही आला करते हैं मिक्स्ड वेल, और दम की जानिब चलते हैं। सवाल पूछा है, दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, ठीक है। इतना सवाल इसका जवाब देने कॉल करके, विंग्स हमारे हो रहे हैं तैयार। ये देखिए आप, जूसी यमी टेम्पटिंग, चलते हैं दम की जानिब। चूल्हा कर लेना कम, ठीक है, बहुत ही कम, धीमी आंच, ठीक है। और कोयला हम जला चुके हैं, कैबेज रखते हैं, हमने देखा होगा शो में हमने, ठीक है। आप चाहें तो डेफिनेटली देख रखा, आप चाहें तो इसके अंदर आप अनियन का, प्याज का छिलका या अल्मोनियम फॉइल भी रख सकते हैं, ठीक है। अब ले आते हैं कोयला जो जला चुके हैं। विंग्स देख सकते हैं आप, ये आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं अंदर तक काफी हद तक ये 95% गल चुका है, यही वजह है कि इसका मीट हड्डी से अलग होता जा रहा है, देख सकते हैं। लेकिन हम जो जिस चीज बाकी थी वो था कोयले का दम जान चलते हैं, जिससे बारबेक्यू का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जरा सा कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, और ऑयल जैसे आपने इसके अंदर आपने फ्यू ड्रॉप्स इसके ऊपर आप रखें ग्राइंड, तो उसके फौरन बाद आपने बंद करना है ऑयल। ये देखिए 1, 2, 3 और क्या कवर। अब जो फ्लेवर आएगा बारबेक्यू का, यकीनन डेफिनेटली यू कैन इमेजिन हाउ यम्मी टेम्पटिंग दीस विंग्स विल बी, ठीक है, रखा दम पे और वैसे जस्ट अबाउट रेडी, तो हम ले आते हैं भले ही रखा है। चलते हैं अगली रेसिपी की जानिब। आलू मौजूद है, पोटैटोस बॉइल्ड, इसे हम काट लेते हैं और इसकी आलू की एक मजे की रेसिपी करते हैं तैयार। बॉइल्ड आलू है, इस तरह आपने इसके काट लेना है, देखिए, ठीक है। एक ये वे, एक और दूसरा तरीका आपको बताता हूं। दूसरा अंदाज आलू काटने का, आपने जरा से क्लोज रखना है, ठीक है, जिस तरह वेज सब काटते हैं। और ये इस तरह से आपने आलू काट लेना है, ठीक है। आलू का प्रोसेस जारी है। सवाल इतना सा पूछा है, दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है,
बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ। अभी आलू ठीक है, कुछ और साथी कॉलर भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। जरूर कीजिए मैडम जी। और नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक। फिर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। और मैंने फरमाइश करनी थी, आप हमें पाए बनाना सिखाइए। सर्दी का मौसम है ना जी, तो इसमें ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती है, तो आप पाए बनाना कब सिखा रहे हैं? जी जरूर, और पाए हमें सर्दी के गर्मियों में अच्छे लगते हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। ये बताएं प्यार सा नाम क्या है मैडम आपका? बीना सर। बीना जी जरूर, डेफिनेटली आपने फरमाइश की, हम जरूर बनाएंगे पाए। अच्छा सवाल का जवाब देंगी आप? जी जी, आलू है उसका जवाब। आलू, क्या वजह है आपको लगता है, क्या क्यों आपको लग रहा है आलू है? क्योंकि आलू से बहुत सी डिशेज और बहुत सी रेसिपीज बन सकती है। बन सकती है, ठीक है ठीक है। अच्छा सुने जी, क्या आप 5 आलू की रेसिपीज के नाम बता सकती हैं? जी देखे, आलू जैसे कि आलू के कबाब भी बनते हैं। एक, जल्दी फास्ट। जी, और आलू से चिप्स भी बनाए जाते हैं। दो, और आलू गोश्त भी बनता है। तीन, जी मतलब भुजिया आलू की भी बनती है, आलू के पराठे भी बनते हैं। 5, ठीक है ठीक है। थैंक यू बीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश है बीना मौजूद है। और क्या नाम बताए, आलू के पराठे, आलू की भुजिया, वाह जी वाह। आलू के कबाब दोस्तों दम पे रखे धीमी आंच पे, और बल्कि ऐसे ले आते हैं वहां उस चूल्हे पे, ठीक है। और कुछ ही देर में विंग्स करने हैं पेश, और अब चलते हैं आलू की रेसिपी की जानिब, ठीक है। इसके लिए पैन मौजूद है, ठीक है, फ्राइंग पैन। आप चाहें से ओवन में भी बना सकते हैं, और देख रहे कर रहे हैं पैन में कुक, अच्छी तरह से आपने ड्राई किया। एड करते हैं कुकिंग ऑयल और मिरिया कुकिंग ऑयल, ठीक है, लगभग 3-4 टेबल स्पून शामिल किया, देख सकते हैं हम, ठीक है। और इसी पैन के ऊपर ही, ठीक है, यहीं पे आपने क्या करना है कि इसी कटिंग बोर्ड के ऊपर ही इसके मिक्सिंग करते हैं, कुछ इस तरह से आपको बताते हैं किस तरह से। सॉल्ट, ठीक है, नमक हसबे जायका, ये आप टॉप पर इस तरह स्प्रिंकल करना है, ठीक है, कटिंग बोर्ड के ऊपर ही, ठीक है, देख सकते हैं आप। नमक के साथ ही मौजूद है हमारी बहुत ही पसंदीदा एक अज्जा, काली मिर्च कुटी हुई, क्रश ब्लैक पेपर, देखिए, ठीक है, इस तरह आपने उसके ऊपर आपने किया, ठीक है, नमक और काली मिर्च इस तरह से, ठीक है, और करते से मिक्सर के साथ ही जरा सा धनिया पुदीना चॉप्ड, ठीक है। प्रोसेस जारी है, खितामी लम्हात में दाखिल हो चुके हैं, विंग्स हो रहे हैं तैयार, आलू की रेसिपी कर रहे हैं तैयार, और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप कॉल करके सवाल पूछे, दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, पुदीना चॉप किया, जरा सा ग्रीन कोरिएंडर धनिया चॉप किया, और चॉप करने के बाद स्प्रिंकल किया आपने इसी मैरिनेटेड पोटैटोस के ऊपर, ठीक है। अब करना कुछ इस तरह सा, पैन मौजूद है, हो चुका है गर्म, ये आलू जिसमें काली मिर्ची और नमक लगाया था और धनिया पुदीना, इसे आपने डिप किया फ्लावर के अंदर, ठीक है, फिलहाल के अंदर रखा, और दोनों साइड से आपने कलर दिया। कलर देने के बाद हवाले करते हैं हम मिनियाक कुकिंग ऑयल के, ठीक है, ना आलू के चिप्स है, ना रोस्टेड पोटैटोज है, ना गार्लिक पोटैटोज है, ना बेक पोटैटोज है, डिफरेंस है, ठीक है। हर पोटैटो इजी है, और हर भी हमने वो लिए जो हमारे अपने पाकिस्तानी कोटिंग की, और ये ऑयल के अंदर, वाह, जरा सोच के देखिए मेन्यू में, जब चिकन विंग्स और गार्लिक और हर पोटैटो भी जस्ट अबाउट टू रेडी। सवाल का जवाब देके आप शो कैसा बनते रहे। सवाल पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, जरा सा और ऑयल ताकि अच्छी तरह से आलू कुक हो सके, प्रोसेस जारी है, ठीक है, चूल्हा जरा सा कम करते हैं। कुकिंग, खानों की अहमियत अपनी जगह बहुत ज्यादा दुनिया भर में, और हुमा नूर मौजूद से बात कर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ठीक हुमा, आप बताएं कैसी मैडम? हाँ ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। चल अच्छी बात है, क्या कहेंगी मैडम? चिकन विंग्स बन गई है तकरीबन। जी बिल्कुल सही कहा, और जरा आप सोच के देखिए, इस मौसम में जब विंग्स खाए जाए तो कैसा लगेगा?
बहुत अच्छा लगेगा। और वो उसका जो कलर देख रही थी ना, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मतलब दूर से इतना अच्छा लग रहा है, तो पक्के जाहिर है जब हम घर में बनाएंगे तो तकरीबन अच्छी ही बनेगी। जी जरूर, और हमने ब्रेक के दौरान ट्राई की, इसके जूसी भी और काफी मजे के हैं, अपने बच्चों के लिए जरूर बना सकती है। मैं तो आपको बताया ना कि मैं तो डेली, कल मैंने बनाई थी बोनलेस फिश, तो आपने बनाई थी ना कोकोनट के साथ जी, तो वो मैंने बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनी। वाह जी वाह, क्या बात है, शो में रेसिपी बनी, वो आपने ट्राई की, अच्छी बनी, क्या बात है। आप हमेशा कहती हैं बच्चों के लिए बनाती हैं, कभी कोई रेसिपी हस्बैंड के लिए नहीं बनाती आप? नहीं, मेरे हस्बैंड मतलब है कि वो ही अमूमन हम दाल सब्जी खाते हैं, लेकिन बेटा मेरे एक ही बेटा है माशाल्लाह से। अच्छा माशाल्लाह, लड़ला है वो। असल में वो यही तो मतलब दाल सब्जी वो कम ही मतलब अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं, चिकन ही खाते हैं। तो अब मैं जब से आपका प्रोग्राम देखने शुरू किया ना, तो तकरीबन मेरा उनका मसला हल हो गया है मेरे बेटे का। क्या बात है, और माँ और बेटे की मोहब्बत अपनी जगह, और तमाम माओं को सलाम। और आई थिंक यू आर गेट यू सेल्फ, कितनी अच्छी रेसिपीज बनाती है। सवाल का जवाब देंगे मनु राम? सवाल का हाँ जवाब दूंगी, पोटैटो है सबसे ज्यादा, मतलब पोटैटो खाए जाते हैं। पोटैटो खाए जाते हैं, ओके ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, शादाबाद हैं दोस्तों। आलू देखिए, कुछ ही देर में कलर देखिए आप, डेफिनेटली अमेजिंग। और मुझसे पूछते हैं लोग, आप लोग बताते हैं टीवी शोज में हाउ टू लूज योर वेट, किस तरह वजन पुट ऑन कर सकते हैं, इसके लिए क्या किया जाए। देखिए आलू बहुत अच्छी चीज है वेट पुट ऑन करने के लिए, बहुत ही ताकतवर चूल्हा करते हैं, बंद दम भी आ चुका इसका, ठीक है, बस कलर देते हैं उसके बाद निकालते हैं। ठीक है, कितना वक्त है हमारे पास, कुछ और आलू वेट करते हैं। फिलहाल के अंदर आपने ये मिर्चे और धनिया पुदीना अप्लाई किया आलू के ऊपर, इस तरह आपने कोटिंग की, उसे हमने फिलहाल मैदे के अंदर डिप किया और फ्राई प्रोसेस जारी है। और सुबह के टाइम आपको बता दोस्तों, दुनिया भर में लोग नाश्ता अच्छा करते हैं, ठीक है, नाश्ता, और बहुत जरूरी सुबह वजह ये की बुनियादी की सुबह के टाइम आपकी अंदर की मशीन बेहतर काम करती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर काम करता है कम्पेरेटिवली डिनर या शाम के। लेकिन हम लोग नाश्ता नहीं करते, ब्रेकफास्ट रात का खाना तेज अच्छा खाते हैं, जो गलत है। ठीक है, देखिए प्रोसेस जारी, आलू और विंग्स जो चुके हैं तैयार से निकालते हैं, आलू के लिए उस तरफ और विंग्स को लेते हैं हम, ठीक है, जरा एहतियात से घर में, और ना आलू को हम ले आते हैं जरा यहाँ, ठीक है, लेट्स सी हमारे विंग्स जिसपे दम तो आ चुका था, मसालों को तय कर चुका था, इसका जायका कहां तक पहुंचा, ठीक है, सफाई जरा जरूरी है। विंग्स के निकालने की तैयारी करते हैं और आप पार्टिसिपेट करते रहे, शो का हिस्सा बनते रहे। विंग्स हमारे जस्ट अबाउट टू रेडी, एंड लेट्स सी कहां तक हुए तैयार, गले भी हैं या नहीं, मजेदार हैं या नहीं, आपको सब दिखाते हैं, चलते हैं विंग्स की जानी, ठीक है। और जितना आपने देखा होगा दुनिया भर में व्हाइट व्हाइट सफेद रंग, वैसे मोहब्बत का कलर, अमन का कलर, ठीक है, और दुनिया भर में फाइव शॉर्टेज होते हैं व्हाइट ग्लिटर्स होते हैं, व्हाइट में निकालते हैं। चूल्हा किया बंद ही, देखिए कोयले का दम भी आ चुका है, ठीक है, चूल्हा करते हैं बंद एहतियात से, बहुत एहतियात से, प्यार मोहब्बत के साथ, मोहब्बत बहुत जरूरी है दोस्तों, क्या ख्याल है आपका। ठीक है, कोयला निकाला और आपको दिखाते हैं ये विंग्स, अंदर तक ही देख सकते हैं आप, काफी मसालेदार हैं, जूसी हैं, निकालते हैं और ये देखिए आप, एक भी आप खाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। आप चाहें तो विंग्स को बिरयानी के साथ पेश कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी और रेसिपी के साथ भी, डेफिनेटली आप फ्राइड राइस, इवन दाल चावल में मेन्यू में हो और साथ विंग्स आप रखें। कलर देखिए इसका, ठीक है, इसे हम निकालते हैं इस तरह से विंग्स, जूसी मीट हड्डी से देखा लेदा होता जा रहा है, मींस गल चुका अंदर तक, ठीक है। प्रोटीन, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनको भी कहा जाता है कि आप प्रोटीन डाइट की जानी चाहिए, आप कार्बोहाइड्रेट कम करना, ये सच है, रोटी चावल इतनी ज्यादा ताकतवर है, जो कम करता है उसका वजन वैसे ही कम हो जाता है, ठीक है। इस तरह आपने विंग्स निकाले और कम हो चुके हैं, ऑल्दो 1 kg थे, लेकिन ये कि बनने के बाद देखें हल्के से कम लग रहे हैं, लेकिन काफी है, ठीक है, निकाल चुके हैं। गार्निश की जाने भी चलते हैं, बल्कि आज ऐसा करते हैं कि इसके साथ दोनों के एक साथ प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। और ये पोटैटो जो तैयार थे से ले आए यहाँ, विंग्स देख सकते हैं आप, ठीक है, और बताते हैं आपको जरा सफाई,
एजेस राब के और ये विंग्स को जो हमने आलू फ्राइड कर लिए थे पोटैटोस इसे आपने इसके एजेस पे रखने हैं, ठीक है। दोनों साइड से आलू बॉयल हो चुके थे इसे आपने विंग्स के एजेस पे रखने हैं। एक विंग्स एंजॉय कीजिए, एक आलू, एक विंग्स, एक आलू। जो लोग आलू पसंद करते हैं आलू दीजिए, और जो लोग सिर्फ विंग्स पसंद करना चाहते हैं वो भी। लेकिन एक ही नाम पाकिस्तानी मीट बहुत शौक से खाते हैं। क्या हाल है, कैसा ये देखिए पोटैटोस और विंग्स भी हो चुके हैं तैयार, निकाल रहे हैं और जा रहे हैं अपनी मंजिल की जानी। वो यकीन कुछ देर हम एंजॉय करने जा रहे हैं। आप भी अगर अपने लंच डिनर को और खास बनाना चाहते हैं, डू ट्राई दिस ऑसम रेसिपी ऑफ विंग्स एंड पोटैटोस। देखिए अब कुछ हम इसके इस हिस्से में भी रख लेते हैं आलू, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, इसे रखा है यहाँ। बाकी हम एंजॉय करते रहेंगे। गार्निश की जानिब चलते हैं। सिंपली धनिया पुदीना देसी गार्निश, ठीक है, एंड सलाद पत्ता इस तरह रखा। कितना दिलकश लग रहा है, कोई जरूरत नहीं इसमें ज्यादा गार्निश की, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। करते हैं सफाई और लेते हैं आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच यू ऑल साथ होने के लिए। दोनों रेसिपी हो चुकी है यार, चिकन विंग्स, गार्लिक चिकन विंग्स एंड साथ ही पोटैटोस भी। सवाल पूछो, दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? और शो में बिल्कुल पार्ट बनते रहे शो का, आपने पार्टिसिपेट किया, जवाब दिए और सही जवाब जो है ऑफ कोर्स यही है जो मोस्ट ऑफ दी कॉलर ने दिया कि आलू। आलू दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी है और इसका आलू को गरीबों का गोश्त भी कहा जाता है। जरूर ट्राई कीजिए दोनों रेसिपीज और तमाम हमारे कॉलर्स को बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो। आपसे कहते हैं मुबारक, मुबारक। मेरे से सरवत जी को शिकायत है, उनका नाम लेते सरवत जी, आपको और ऑल दी कॉलर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। जरूर ट्राई कीजिए विंग्स भी और साथ ही आलू भी। हम कुछ ही देर में एंजॉय करने जा रहे विंग्स, लेते हैं इजाजत इसी बात के साथ। इफ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट। थैंक यू, लव यू।